अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने WISP मोड के बारे में वीडियो बनाई थी, सो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सल रिपीटर के बारे में सीखेंगे। लास्ट टाइम हमारे पास जो राउटर था वो टीपी लिंक का था, उसमें WISP मोड का ऑप्शन तो था लेकिन यूनिवर्सल रिपीटर का ऑप्शन मौजूद नहीं था। सो आज की इस वीडियो में हमने टेंडा का राउटर लिया हुआ है, टेंडा के राउटर में ये ऑप्शन मौजूद है। सो वायरलेस रिपीटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया है क्योंकि जो हमने थ्रू वायरलेस के कनेक्ट करना है, इसलिए वायरलेस रिपीटिंग का ऑप्शन हमने ढूंढा। इसमें हमारे पास ऑप्शन है एक WISP मोड का, ये ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। जिसने नहीं देखी तो वो लास्ट जो वीडियो अपलोड की गई है उसको क्लिक करके देख लें, तो ऊपर दिए गए आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको आपने क्लिक करके देख लेना है। सो यूनिवर्सल रिपीटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसमें बेसिकली होगा क्या, WISP मोड पे भी यही होता है कि हमने वायरलेस इंटरनेट लिया, ठीक है। यूनिवर्सल रिपीटर में भी यही है, वायरलेस इंटरनेट लेना है। लेकिन यूनिवर्सल रिपीटर में होगा क्या कि इसका काम जस्ट सिग्नल को रिपीट करना होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके साथ वाले घर में पड़ोसी है, उसका नाम फॉर एग्जांपल हमजा है, हमजा का आपने इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करना है अपने घर से। तो आपके घर में ये जो राउटर की सेटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका राउटर है, आपने जो नाम आ रहे हैं इसमें से, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल काफी नाम है, काफी नाम आ रहे हैं इसमें, समझ लें कि हमजा का नेटवर्क ये है। आपने इस नेटवर्क को यानी कि इस राउटर को क्लिक कर कनेक्ट करना है, तो जस्ट इसका जो इंटरनेट है यानी कि वो जो सिग्नल जो से आपको ज़्यादा करके दे देगा, यानी कि जो जो आपका राउटर है यूनिवर्सल रिपीटर मोड में, वो खुद से कोई आईपी एड्रेस आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि जो आपका जो हमजा वाला राउटर है उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर मतलब मिलेगा। ये खुद यानी कि राउटर खुद साइलेंट हो जाएगा, ये सिर्फ SSID और वाईफाई नेम आपका आ रहा होगा, आप चाहें तो वो चेंज कर सकेंगे। अदरवाइज जो सा आईपी जो सा ये आपका जो राउटर है ना, ये नहीं प्रोवाइड करेगा, हमजा वाला राउटर आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए कि पासवर्ड क्या है जिससे आपने कनेक्ट, यानी कि हमजा के वाईफाई का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड इंटर कर दिया, ओके किया, ये कह रहा है जी रीबूट होगा आपका राउटर। अच्छा, रीबूट हो जाने के बाद उसके बाद जो आपने लॉगिन करना है वो थ्रू करना है tendawifi.com। मैंने तो ऑलरेडी tendawifi.com से ही लॉगिन किया है, सो आपने इससे लॉगिन कर लेना है। और कोशिश करें अगर तो आपका आईपी एड्रेस जो आपके मेन राउटर का आईपी एड्रेस है वो और आपके राउटर का आईपी एड्रेस दोनों सेम है तो उसको चेंज कर लें, तो इससे ये होगा कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अमूमन आपस में आईपी कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा अगर आप चेंज कर लेंगे। सो राउटर तो मेरा रीस्टार्ट हो चुका है, अब देखते हैं कि हमें क्या इसने सिग्नल प्रोवाइड किए हैं जो हमने रिपीटर मोड बनाया है यूनिवर्सल रिपीटर, क्या उसके सिग्नल हमें रिपीट हुए हैं। तो ये देखें हमें जी ब्रिज सक्सेसफुली इन यूनिवर्सल रिपीटर मोड हो गया। अब हम इंटरनेट चला के देखें तो हमारा इंटरनेट चल रहा होगा। सो ये देखें जो हमारा यूनिवर्सल रिपीटर है वो वर्क कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें। अल्लाह हाफिज़।